ফার্স্ট টাইম আই মেট জিনালি এট এ হোটেল তো উনকি ফ্যামিলি অ্যান্ড মাই ফ্যামিলি উইথ সিটিং টুগেদার ইট ওয়াজ হিজ বার্থডে অ্যান্ড আই থিঙ্ক ইট ওয়াজ আ গ্রেট মিটিং উই অলরেডি লাইক ইচ আদার দ্য ভেরি ফার্স্ট ডে ਹੋਗੀ ਬਨ ਟੂ ਟੂ ਉਹ ਕੁੜੀਏ ਵਟ ਟੂ ਡੂ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ फ़र्स्ट टाइम मैं किसी लड़की से हाफ एन आवर तक फर्स्ट मीटिंग में मैंने बात की है. काफ़ी सारे बातें की हमने, थोड़ी बहुत हंसी मजाक हुई और मैंने फर्स्ट मीटिंग पे ही उनको एक ऐसे पूछ लिया था कि डिड इट क्लिक. ही आस्क्ड मी डिड इट क्लिक एंड इट हैपेंड. आई एम हैप्पी, आई हैव गॉट अ वेरी गुड लाइफ पार्टनर. ही इज रियली केयरिंग, ही इज वेरी सपोर्टिव, वेरी अंडरस्टैंडिंग. ही इज ऑलवेज मेड अ पॉइंट टू आस्क मी आर यू हैप्पी, आर यू हैप्पी. And I'm totally in love with him. लगन लागी रे तो से प्यार बलम केसरी तो से प्यार लगन लागी रे तो से लागी रे बलम केसरी तो से लागी रे लगन लागी रे तो से प्यार बलम केसरी तो से प्यार लगन लागी रे तो से लागी रे बलम केसरी तो से लागी रे जी में से बसे जादू सा क्या कर दिया है मोगरे फूल सी She can make everybody happy around her. That's the best part of her. मतलब कुछ कमी नहीं थी उसमें. It was just perfect. सब जैसा मुझे चाहिए था वैसा वो सब चीज़ उसमें था. So question ही नहीं आया कि नहीं करने का कुछ था. उसने मुझे first meeting में question पूछा था कि see मुझे मेरे life partner में एक quality ऐसा चाहिए कि जिसको lifetime हम दोनों को एक दूसरे के लिए craze होना चाहिए वैसा. तो उस time पे मैंने भी उसको nod किया कि हाँ दोनों को एक दूसरे के पीछे क्रेज होगा और कुछ भी रहेगा तो हम दोनों को एक दूसरे के लिए मेंटेन करके रखेंगे हर चीज़ के लिए. तो यस, दैट्स द मैसेज फॉर
लागी रे बलम केसरी तोसे लागी रे। ये मॉम डैड के लिए एक ही मैसेज दूंगा मैं कि जस्ट डोंट वरी, इवन शी फील सिक्योर सेफ एंड हैप्पी अराउंड मी। दोनों के पेरेंट्स, हम दोनों एक दूसरे के पेरेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। चिराग को मेरे मम्मी पापा बहुत पसंद करते हैं, उसके मम्मी पापा मुझे बहुत पसंद करते हैं। दैट्स द बेस्ट पार्ट एनी गर्ल विल वॉन्ट। लगन लागे रे तो से प्यारे बलम केसरी तो से प्यारे, लगन लागे रे तो से लागे रे बलम केसरी तो से लागे रे। The message for Jinali would be, always keep smiling, because for that smiling face, I'll keep living. God has made us for each other.